आरआरबी जेई आने वाला है तो कैसे पढ़ाई करें, क्या सीबीटी वन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्यों ज्यादा कट ऑफ जा सकता है और कंपटीशन सीबीटी वन में क्यों ज्यादा होगा कंपेयर टू द सीबीटी टू। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले आरआरबी जेई के बारे में। आरआरबी जेई के बारे में जो सीबीटी वन का पार्ट होता है ना, सीबीटी वन क्यों ज्यादा टफ होता है कंपेयर टू द सीबीटी टू, ठीक है। उससे आगे बढ़ने पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। देखिए सीबीटी वन की बात किया जाए, सीबीटी वन में ऐसा क्या खासियत होता है, सीबीटी वन की सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस में बात किया जाए क्या होता है, आपके एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है और जीके होता है। तो ये नॉर्मल है ना, आप लोगों को लगेगा नॉर्मल है, बट कंपटीशन बोले क्यों हाई होगा, तो इसलिए हाई होगा। एकेडमी पे गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है गाइस, आप एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम का फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं रेलवे एग्जाम का, तो वो आपका एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को। आपका बैंक का एग्जाम रिलेटेड हो तो 10 PM से, एसएससी एग्जाम का 2 PM से और रेलवे का 5 PM से है, ठीक है गाइस। इसमें बहुत सारे आप रिवार्ड जीत सकते हो, जैसे 25 लाख तक रिवार्ड है और आपका कोर्स फ्री में जीत सकते हो रेलवे आरआरबी जेई का। और देखिए आपकी रैंक वन आती है आसूस का वीवो बुक का लैपटॉप जीत सकते हो। उसके बाद आप 2 से 6 रैंक आती है सैमसंग गैलेक्सी का आपको M3 2 5G का मोबाइल जीत सकते हो। उसके बाद JBL का ट्रू वायरलेस 7 से 16 रैंक आती है तो जीत सकते बात करते हो आप क्या कहते हैं आरआरबी जेई के लिए या बैंक के लिए, तो आपकी 1 से 10 रैंक आती है 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है यार। अन अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर पढ़ने के आपकी 11 से 25 आती है तो 75% स्कॉलरशिप। आपकी क्या कहते हैं 26 से 50 रैंक आती है तो आपको 50% अन अकेडमी पे स्कॉलरशिप। उसके बाद 51 से आपकी 100 रैंक आती है 25% स्कॉलरशिप। उसके बाद रैंक 101 से आपकी 400 आती है तो 15% स्कॉलरशिप। उसके बाद आपकी 300 से ऊपर आती है ड्रा विनर को मिलेगा 1000 अमेजोन गिफ्ट वाउचर। तो शानदार, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कोड जरूर यूज करिएगा DKumar10, उससे आपको बेनिफिट मिल। सीबीटी वन के लिए क्यों हो जाता है, देखिए कुछ बीटेक स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं एसएससी सीजीएल और बैंक में चले जाते हैं। जब ये देखते हैं कि यार बैंक रेलवे में जॉब आ गई है जेई की, तो उसमें क्या करते हैं जेई की आने के बाद वो फॉर्म फिल करते हैं, तो उनका पता है कि आपको रीजनिंग है जीएस पढ़ना ही रहता है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है उनके लिए ईजी हो जाता है कंपेयर टू द इंजीनियर वालों के लिए। इंजीनियर सीधा टेक्निकल पे फोकस करता है, वो टोटली नॉन टेक पे हमेशा पढ़ते हैं, इसलिए जो कंपटीशन हो जाता है ना इजी, उनके लिए इजी हो जाता है और इंजीनियर के लिए टफ हो जाता है। तो इसीलिए आपको डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, एप्टीट्यूड अच्छे से करना पड़ेगा एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से। उसके बाद जीएस जो जनरल साइंस है, बायोलॉजी फिजिक केमिस्ट्री को भी एक शानदार वे में आपको ले जाना पड़ेगा हाई लेवल पे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आते हैं। उसके बाद रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जीएस, इस 4-5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और हां, आपको बताया मैंने टेस्ट के बारे में, अनअकैडमी पे जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप, लैपटॉप जीत सकते, इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है। जाइए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हैं और मजा लीजिए, स्कॉलरशिप जीतिए और आरबी जे की प्रिपरेशन कीजिए और एक अच्छे एजुकेटर से, और आप जो एसएससी के स्टूडेंट है उनको कंपटीट करिए और इंजीनियर एक अच्छा आरआरबी जे को क्रैक कर सकता है। और जल्दी आरआरबी जे आने वाला है, मे बी अप्रैल मई तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, फरवरी में भी चांसेस है नोटिफिकेशन, आपके एग्जाम अगस्त सितंबर तक हो सकते हैं, कंफर्मेशन यही चल रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।